मैं सूरजभान कटारिया हूं, भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति मोर्चा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा हूं, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राष्ट्रीय फाउंडेशन का सदस्य हूं और कई सामाजिक संस्थाएं, चाहे दलित फाउंडेशन हो या अन्य ऐसी संस्थाएं हो, उनका राष्ट्रीय प्रतिनिधि। सर, अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया एससी एक्ट के ऊपर, इसके ऊपर दलित समाज में बहुत रोष है, सरकार भी उसके ऊपर कुछ करने जा रही है, क्या मामला है और इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि जिस विषय को लेकर पिछले लगभग 3-4 माह से जो उठापटक चल रही है, वो वास्तविक दृष्टि में मामला है क्या? हमारा संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उसको निर्मित किया, तैयार किया। वह संविधान इस देश के सभी नागरिकों को कुछ सम्मानित अधिकार देता है। उन्हीं अधिकारों में हमारी देश की जो बहनें हैं, हमारी जो माताएं हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, उनके कुछ सम्मानित अधिकार हैं। देश के जो हमारे दूसरे धर्म हैं, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, उन धर्मों में उनके कुछ सम्मानित अधिकार हैं। उसी प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत कुछ सम्मानित अधिकार अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधियों को भी हैं, उनके लोगों को भी हैं, जो इस देश की आबादी का लगभग बहुत बड़ी संख्या में 25% से ज़्यादा के ये लोग हैं। पिछले दिनों माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है, उस निर्णय में क्या निर्णय आया है कि अनुसूचित जाति के लोग जब भी अपनी किसी पीड़ा को भारतीय दंड संहिता की धारा में दर्ज कराएंगे, तो जो सामने वाला दोषी है उसको जमानत का प्रावधान दे दिया गया है। उसकी जो है कुछ अन्य खामियां जो को दर्शाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक के अनुसूचित जाति के, जनजाति के जो एक्ट में मामले दर्ज हुए हैं, उनकी जो आपराधिक रेशों का अंतिम दौर है, जिसको हम सजा का प्रावधान कहते हैं, उसमें जो कमी पाई है उसको दर्शाया है। मैं अपने देश के अनुसूचित जाति के, जनजाति के लोगों का प्रतिनिधि हूं, उनका नेतृत्व करता हूं, और इस देश में जिस पार्टी की सरकार है, उस पार्टी का एक वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता होने के नाते सच्चाई से रूबरू कराना, सच्चाई की पूरी जानकारी देशवासियों को देना अपना कर्तव्य और अपना फर्ज समझता हूँ। मैं सभी देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति जनजाति के वे लोग जो लंबे समय से इस देश में शोषित हैं, इस देश में कमजोर हैं, वे लोग अपनी जो पीड़ा है वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, उसके जो निर्णय आया है उसके माध्यम से पिछले दिनों सड़कों पर भी दिखा चुके हैं। यह दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने उसमें राजनीतिक रोटियाँ सेकने का प्रयास किया और हमारे 10-12 जो उस आंदोलन के साथी थे वे हमारे बीच नहीं रहे। हमारी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय देश के सम्मानित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के समस्त देशवासियों को और विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति के सभी जो हमारे देशवासी हैं, हमारे भाई हैं, उनको विश्वास दिलाती है और सशक्त करती है कि यह जो अध्यादेश, जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, उस निर्णय पर हमारी सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की और पुनर्विचार याचिका के माध्यम से भी शायद हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री को, हमारे देश के सम्मानित कानून मंत्री को, हमारे देश के सम्मानित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत जी को जब महसूस हुआ लगा कि इसमें कुछ कानूनी अड़चनें उलझेंगी, उन कानूनी अड़चनों के माध्यम को खत्म करने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अध्यादेश लाने का जो एक सशक्त निर्णय लिया है,
और हम मंत्रिमंडल में उसको लेकर आए हैं, और आने वाला जो पार्लियामेंट का हमारा हाउस होगा, लोकसभा का जो सत्र चलेगा, उस सत्र में हम उस बिल को लेकर आएंगे। वह बिल वही बिल होगा जो यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, जिसमें दोषी गणों की जमानत का प्रावधान कर दिया गया है और किसी लंबी जांच को उसमें जोड़ा गया है। हमारी सरकार वह सरकार है जो अभी पिछले दिनों लगभग चार वर्षों से माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। मित्रों, देश की आज़ादी के बाद लगभग 50 से 55 वर्ष तक इस देश में अनुसूचित जाति को, जनजाति को कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ यूज एंड थ्रो की नीति से प्रयोग किया है। मैं आपको बताते हुए, अनुसूचित जाति का होने के नाते, इस पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते, इस सरकार का एक प्रतिनिधि होने के नाते गौरव करते हुए बताना चाहता हूं कि हमारी वह सरकार है 2015 में 26 जनवरी 2016 से जो अनुसूचित जनजाति जनजाति एक्ट में अत्याचार का निवारण का बिल हम लेकर आए थे। पहले अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की मात्र 22 विषय ही ऐसे थे जिनमें SC ST एक्ट लगाया करते थे। मोदी जी ने हमारे लोगों की पीड़ाओं को समझा, हमने जब बार बार अपनी बात संगठन के माध्यम से देश की सरकार तक पहुंचाई, तो गंभीरता से देश की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत जी ने उन चीज़ों को समझा, और जो कानून कहीं कहीं रूप से लचक था, जिसको कहे कमजोर था, जिसको कहे लाभ नहीं पहुंच पा रहा था, जिससे कहे कि वो जो न्याय मिलना चाहिए वो प्रक्रिया लंबी थी, मित्रों हमने 2016 में संशोधन करके उसको जो है बहुत मजबूत कानून बनाया। और 2016 का जो संशोधन है वह पहला संशोधन SC ST एक्ट में देश की आज़ादी के बाद हुआ है, देश में संविधान लागू होने के बाद हुआ है। हमारी सरकार पूरी तरह अनुसूचित जाति के साथ, जनजाति के साथ, इस एक्ट के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हो, चाहे भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न देने की बात हो, वह बात भी मुझे कहते हुए कांग्रेस के मित्रों को याद दिलाना पड़ेगा, आपने जीते जी भले ही अपने एक पार्टी के लोगों को भारत रत्न से जोड़ा हो, जब भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार, प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारी पार्टी के सम्मानित नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में VP सिंह गवर्नमेंट में 79 में जुड़ी, कांग्रेस गवर्नमेंट उसमें नहीं थी, कांग्रेस के लोग उसमें नहीं थे, गैर कांग्रेसी सरकार ने भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को, संविधान के रचयिता को, भारत रत्न का सम्मान दिया। वह भारतीय जनता पार्टी मेरी है, मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मुझे कहते हुए कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश के जो सम्मानित प्रधानमंत्री हैं वो इस बाबा साहब को, जिनको दलित समाज के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, जनजाति के लोग, कमजोर वर्गों के लोग और हमारी माताएं बहनें अपना मसीहा मानती है, और हम इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है कि एक पशु की जिंदगी से मानव का जीवन देने वाले ऐसे महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लेकर उनके 5 पुण्य स्थल हैं, चाहे उनका जन्म स्थल महू हो, आप जाकर देखिए। हमारी मध्य प्रदेश सरकार, सम्मानित हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब, वहाँ बहुत बड़ा मेला उनके जन्मदिवस पर लगाते हैं, लाखों अनुयायी महू में जाते हैं, जिसको हमने डॉक्टर अंबेडकर नगर का नाम दिया है। उनकी जन्मस्थली पर जो भव्य निर्माण हमने किया है उसको जाकर आप देखिए। उनकी महापरिनिर्माण भूमि जहाँ बाबा साहब का अंतिम संस्कार हुआ, वह 26 अलीपुर रोड, देश की राजधानी दिल्ली का एक हिस्सा था, जिसको बाबा साहब के अनुयायी भी नहीं जानते थे, देश की 125 करोड़ जनता भी नहीं जानती थी। हमारी सरकार सत्ता में आई, पूर्व के हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सत्यनारायण जटिया जी हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थे, उस स्थान को खोजा, एक देश के कांग्रेस के बड़े नेता और एक उद्योगपति के परिवार से उसको वापिस लिया। और अभी मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि अभी 14 अप्रैल की पूर्व संध्या पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने वहां जाकर ऐसा भव्य निर्माण वहां किया है, 200 करोड़ की लागत से, जो संविधान की किताब का आकार है, उस आकार के स्वरूप का जो भवन बनाया है। मैं देश के 125 करोड़ के देशवासियों से चाहता हूं कि उस भवन में आकर आप देखें। इसके साथ साथ मुंबई की वह भूमि जहां डॉक्टर अंबेडकर का अंतिम संस्कार किया गया, उसके बराबर में एक मील थी, उस मील को हमारी सरकार ने लिया,
हमारे सम्मानित वहां के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भाई ने उसको बाबा साहब की जो स्मृति में एक बहुत भव्य स्मारक का निर्माण कराया है वह ऐतिहासिक है। मित्रों, एक नया स्थल हम लोगों ने खोजा है। वह नया स्थल है कि जब हमारे देश के मंत्री और महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री देश से बाहर भ्रमण के लिए जाते हैं तो हम कोई ऐशोआराम के लिए नहीं जाते हैं, हम वहां पर ऐतिहासिक चीजों की खोज करने जाते हैं। जब हमारे महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री मेरे भाई राजकुमार जी लंदन में गए तो वहां जाकर हमने देखा कि बाबा साहब का एक बहुत बड़ा स्थल जहां डॉक्टर अंबेडकर ने वहां रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त की, वहां के लोग उसको नीलाम कर रहे थे। हमारी सरकार ने पहल की, केंद्र सरकार ने पहल की, महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि नहीं, वह सपूत हमारे यहाँ का था, हमारा बेटा था, हमारा वो महापुरुष था और उसको जो है महाराष्ट्र सरकार ने लंदन के उस भवन को खरीद लिया और देश के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लंदन में जाकर वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ जाकर उसको जो है देश के देशवासियों को और दुनिया को डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा भूमि के माध्यम से जो है उसको देश को समर्पित किया। ऐसा स्थल जब एक स्थिति आई देश में, बाबा साहब को हिंदू धर्म छोड़ना पड़ा और बौद्ध धर्म जो कि हिंदू धर्म का ही एक विभिन्न अंग है बौद्ध धर्म अपनाया, तो वो जो दीक्षा भूमि है नागपुर में आप जाकर वो देखिए हमारी महाराष्ट्र सरकार ने क्या उसका स्वरूप दिया है, क्या उसको रूप दिया है। कुछ ऐतिहासिक चीज़ें हैं मित्रों, देश की सरकार पे उंगलियां उठाना, हमारा देश का संविधान कहता है स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, किसी पर भी उंगलियां उठाना, किसी पर भी बात रखना हम सबका अधिकार है। पर मित्रों, देशवासियों और मेरे अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों और बहनों, जो हमारी सरकार ने प्रण लिया है, जो हमारी सरकार ने काम किया है, अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पूर्व की सरकार ने क्या किया है क्या नहीं किया है बहुत लंबा विषय हो जाएगा, मैं तर्क और वितर्क में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। समय देश में जो सरकार चल रही है, सम्मानित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, जिस प्रकार उन्होंने लोकसभा में घुसते हुए नतमस्तक हुए और पहले भाषण में ही कहा कि मैं जो कुछ भी हूँ, चाहे चाय बेचने वाला एक बच्चा हूँ या चाय बेचने वाला एक गरीब हूँ, कमजोर हूँ, पिछड़ा हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ देश के संविधान के अनुसार, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों के अनुसार, उनकी सोच के अनुसार मैं आगे बढ़ा हूँ। और नरेंद्र मोदी साहब ने जो बात कही उससे जो हम अनुसूचित जाति के लोग, जनजाति के लोग, गरीब लोग, कमजोर लोग, जो आज अपने आप को 56 इंच मोदी के सीने के साथ अपने सीने को भी गौरवान्वित करते हैं, उन्होंने कहा मैं जो कुछ भी हूँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत हूँ। हम सबके लिए गर्व की बात है मित्रों, और आने वाला समय शायद हमें कुछ और दिशाओं में भटकाने का हो, राजनीतिक विषयों में, सामाजिक विषयों में, कई विषय गंभीर इस देश में उभरे हैं, उन्हीं में यह अनुसूचित जाति जनजाति का जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, हम सबको गौरवान्वित होना चाहिए कि देश की सरकार हमारे साथ खड़ी हुई है और एक बहुत बड़ा निर्णय जो अध्यादेश लाने का है हम सबके लिए गौरव की बात है। हमारी जब से सरकार आई है, हमारे पार्टी के मुखिया श्री अमित शाह जी के आप इन विचारों को अगर देखें जो इस पुस्तिका में प्रकाशित हैं, उसमें लिखा गया है कि देश का सबसे घृणित कार्य, इस दुनिया का सबसे घृणित कार्य लोगों का मैला उठाना, जिसको हम कहें कि सोच पेशाब को सर पे उठाना, ऐसी कुरीति, ऐसी प्रथा, ऐसी दुष्प्रथा को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसकी सरकार ने किया। आज चाहे दलित लघु उद्यमियों को डिक्की के माध्यम से सशक्त करने का काम हो, चाहे अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के माध्यम से घर घर जाकर दलित उद्यमियों को खोजने का काम हो, चाहे घृणित कार्यों में लगे हमारे भाई बहन, चाहे वो मैला ढोने का काम करते हैं, चाहे वो समाज की दूसरी किसी घृणित कार्यों में हैं, उन सब को उन कार्यों से बाहर निकालकर सामाजिक समरसता के माध्यम से, सामाजिक भेदभाव समाप्त करने के माध्यम से, जो भी हमारी सरकार का जो मजबूत निर्णय है, चाहे वो उनको ऋण देकर मजबूत करना हो, चाहे उनको अन्य प्रकार की सुविधा देनी हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
देश के सम्मानित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, देश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत जी के नेतृत्व में, देश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री किशन पाल गुर्जर जी के नेतृत्व में, श्री रामदास अठावले जी के नेतृत्व में और सम्मानित श्री विजय सांपला जी के नेतृत्व में बहुत सारे सशक्त निर्णय लिए हैं। ये सारे निर्णय ऐतिहासिक निर्णय हैं और मुझे राजनीतिक दल से जुड़ा हूँ, राजनीतिक बातें हालांकि विषय नहीं है पर कहते हुए रुका नहीं जा रहा कि जिस प्रकार पूर्व की सरकारों ने, अन्य राजनीतिक दलों ने, चाहे बहन का दल हो चाहे भाइयों के दल हो, जिन्होंने जिस प्रकार हमारा शोषण किया है, अनुसूचित जाति का शोषण किया है, निश्चित रूप से आज अनुसूचित जाति वर्ग का लोग, जनजाति वर्ग के लोग, कमजोर वर्गों के लोग, गरीब वर्गों के लोग नरेंद्र मोदी जी के विचारों के साथ खड़े हैं, उनकी योजनाओं के साथ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, भारत सरकार के साथ खड़े हैं और मजबूती के साथ जो जो हमारे साथ कार्य हुए हैं उन ऐतिहासिक कार्यों को जो है जन जन तक पहुंचाने के लिए मैं देश के सभी गरीब वर्गों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, जनजाति के लोगों को, बहनों को, भाइयों को आह्वान करता हूं, जो काम आपके लिए हुए हैं, जो ऐतिहासिक काम आपके लिए हुए हैं, उनको जन जन तक फैलाने के काम आप लोग करें।